सो हमने पार्ट वन में डिस्कस किया कि हमारे दांतों में बेसिकली पेन की वजह क्या होती है मेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दिस इज द पार्ट टू, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि दांतों का अगर पेन शुरू हो जाए तो उसका सोल्यूशन क्या होता है। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम की यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर सैयद बनारजर, आई एम अ डेंटल सर्जन इन लाहौर प्रैक्टिसिंग इन मॉल्टन एंड वेलेंशिया, वी हैव टू ब्रांचेस। सो पार्ट वन में हमने डिस्कस किया कि आपके दांतों में जो पेन होने की दो मेन वजूहत होती हैं, वो है एक दांत के अंदर कीड़ा लग जाना, दूसरा मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाना, टिपिकली एक आम जमान में अगर मैं सब बताऊँ तो। सो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे दांत में कीड़ा लग जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है। उसका ये सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका दांत में कीड़ा लग गया, अभी आपको पेन शुरू नहीं हुआ, आपको मीठा लगना शुरू हो गया या हल्का हल्का ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया, सो फिर तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाएं और उसको अभी ही उस वहाँ पर पल्प कैप या फिलिंग, या पल्प कैप होता है अगर दांत एक बिल्कुल रूटना करीब करीब आ गया है, यानी फिलिंग से बात आगे निकल गई है तो वो बचाने की डॉक्टर बहुत कोशिश करता है तो वो पल्प कैप कहते हैं उसे। सो पल्प कैप करवाएं, अगर उससे सक्सेसफुली सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर रूट कनाल की तरफ भी आप इसको जा सकते हैं। रूट कनाल क्या होता है? रूट कनाल ये होता है कि हमारा एक दांत है जिसको यू नो इन द ओल्ड टाइम्स अगर आपको उसमें पेन होता तो हमें वो दांत निकाल देना था, लेकिन सिंस वी आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड तो हम वो दांत बचा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, उस दांत के अंदर से सारा पल्प यानी जो वो लिविंग टिश्यू जो मैंने आपको पिछले वीडियो में गाइड किया, वो लिविंग टिश्यू हम उसको निकाल देते हैं जो कि इन्फेक्शियस हो चुका है, खराब गल सड़ गया है, फिर हम उसको वहाँ पे फिल कर देते हैं, सील कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दांत वहाँ मौजूद तो रहता है लेकिन डेड होता है, वो आपको अब सेंसेशंस नहीं देगा। एक डेड चीज़ हमेशा वीक होती है, सो उसके बाद आपको या तो पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर ऊपर क्राउन करवाना पड़ेगा, वो डेंटिस्ट आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपको इनमें से क्या चीज़ की ज़रूरत है, समटाइम्स दोनों की ज़रूरत पड़ती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द गम प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि टिपिकली उस एरिया को हम क्लीन करवाते हैं थ्रू रूट प्लानिंग। रूट प्लानिंग में ये होता है कि वहाँ आपके जो गम्स में जो इरिटेंट्स गए होते हैं उनको नम करके हम उन मसूड़े को नम करके हम उन इरिटेंट्स को बाहर निकालते हैं, और उनको बाहर निकालने की वजह से आपके वो फिर आहिस्ता कुछ टाइम देते हैं वो हील अप होना शुरू हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता दूं कि आपने फ्लॉस रेगुलर करना है। इफ़ यू वॉन्ट फ्लॉस रेगुलरली तो फिर आपके ये मसूड़े के मसाइल, ये तमाम मसाइल होते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। फिर उसके अलावा अब मसूड़ों की हम अगर बात कर रहे हैं तो जो विजडम टूथ में नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वो नॉर्मली ज़्यादातर मसूड़े की वजह से ही होती हैं। वो क्या होता है कि जो आपका विजडम टूथ है वो इरप्ट हमेशा सही जगह पे नहीं करता, वो टेढ़ा करता है, क्योंकि ओवर द टाइम हमारे जॉस छोटे हो गए हैं, जब वो विजडम टूथ आपका टेढ़ा निकलता है तो उसके ऊपर मसूड़ा जो जो आपका विजडम टूथ का पार्ट होता है जो कि बोन के अंदर या मसूड़े के अंदर रह जाता है, तो एक उसके ऊपर एक पॉकेट सी बन डेवलप हो जाती है। वो पॉकेट में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं सो वो फिर वो खाना बाइट के साथ साथ फ्लो करके उस पॉकेट में फंसना शुरू हो जाता है, जब उस पॉकेट में फंसता है सो फिर आपको बहुत स्वे पेन करना शुरू हो जाता है। उसे कहते हैं टिपिकली, इसको कहते हैं पेरिकोनाइटिस। इन दैट केस हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि हम उस एरिया को क्लीन कर दें लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आपका खाना फंसेगा और फिर मसला शुरू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम उस पार्ट को, वो जो ऑपरकुलम बना हुआ है या जो वो जो ऊपर एक आपकी ग्रोथ है उसकी गम की, उसको हम एक्साइज कर दें, टिपिकली वो भी दोबारा ग्रो कर जाता है। लेकिन बट द परमानेंट सोल्यूशन इज दैट कि हम पूरे दांत को एक्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि विजडम टूथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन योर माउथ, क्योंकि ओवर द टाइम हमारे जॉस छोटे हो गए तो उनके पास अब जगह नॉर्मल नहीं मिलती निकलने की, तो वो टेढ़े ही निकलते हैं। इन दैट केस वो अगले दांत को भी ख़राब कर देते हैं। ओ यस, एक दिस वन मोर पॉइंट, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप डेंटिस्ट के पास हैं, डेंटिस्ट कहें कि आप अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट करवाएं, आप कहते हो कि नहीं मुझे तो कोई मसला ही नहीं कर रहा, मैं क्यों निकलवाऊँ। होता ये है कि विजडम टूथ आपका हमेशा टेढ़ा निकलता है, वो आपको पेन तब करेगा जब आपका अगला दांत जो उससे अगला आगे वाला दांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट दांत है, हम खाना खाते ही उसी दांत से हैं, उसको ही अंदर अंदर से ख़राब कर देता है। सो इन दैट केस उन तमाम मसाइल से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि विजडम टूथ को आप टाइमली एक्सट्रैक्ट करवा दें, आपके तमाम मसले आपके जो हैं वो हल हो जाएँ। सो जिस तरह हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम एंड पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सो वो क्वेश्चन ये है कि जो विजडम टूथ है वो हमारे मुंह में अब एक्स्ट्रा क्यों कंसिडर किया जाता है, उसको और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। सो हमने बहुत कोशिश की है कि हम 3 to 4 मिनट्स के अंदर अंदर वो तमाम टॉपिक्स, वो तमाम बातें जो हम बता सकें आपको इंपॉर्टेंट वो हम आपको बता दें, और लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि रहता है आपसे डिस्कस करना। हम कोशिश करेंगे और वीडियोज़ भी बनाएँ आपके लिए।
लेकिन फिर भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप मरहम के थ्रू वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।